और आपके शुभकामनाएं एक बार सबसे इंटरेस्ट मैं पिछले रविवार से और आज तक मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ और सब लोगों से जो जितना प्यार मिला, उत्साह मिला, सम्मान मिला, ऊर्जा मिली, तो मुझे लगा कि मैं कल जब बात कर रहा था परसों, तो मैंने कहा यार इनको चार पंक्तियों में कैसे समेटा जाए। जब हम गए, जिसके पास भी गए उसने हाथों पे लिया, हमें पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी फूफा नहीं मिला। नहीं तो 7 दिन तो फूफा को मनाने में लग जाती है। वो बाकी के जो मेरे चारों कैंडिडेट हैं हमारे सहयोगी, वो कल रात को भी मैं उनसे पूछ रहा था, रोज हम लोग रात को बात करते हैं, वो अभी तक बेचारे फूफाओं को मनाने में, जब फूफा मान जाए तो बुआ नहीं मानती, बुआ मान जाए तो भतीजा नहीं मानता। लेकिन मेरा अटल सौभाग्य है कि इतने बड़े क्षेत्र में मुझे ढूंढे भी एक भी फूफा नहीं मिला। ये इस क्षेत्र की विशेषता है। तो मैं चार पंक्तियां आज सुबह आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपका जो मान है, सम्मान है, आपने जो मुझे स्नेह दिया कि तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें हम तुम्हारी कसम जानते हैं, तुम्हें तुमसे भी ज्यादा हम जानते हैं, मगर खुद को भी तुमसे कम जानते हैं। है किसको किससे कितनी मोहब्बत, ना तुम जानते हो, ना हम जानते हैं, ना तुम जानते हो, ना हम जानते हैं। भारत माता की धन्यवाद, शुक्रिया। प्रवीण जी, आप जो यहाँ है ना, आप अपने परिवार के बीच में बैठे हैं। यहाँ इस पार्क के अंदर एक अलग ही ईश्वर की एक ऐसी कृपा है कि जो भी यहाँ आता है अपनी खुशियाँ इतनी समेट के जाता है, एनर्जी लेके जाता है। अब ये परिवार इलेक्शन में वो सुपरवाहक है या मस्तों की टोली है तो हमारे सभी की एक ही हमारा मकसद। और सारे क्या करोगे, हमें क्या करना है, हमें अपने कैंपेन में जुट जाना है। क्या करेंगे हम सभी घर घर जाएंगे ना, हाथ ऊपर करके हम सभी जाएंगे। धन्यवाद। विपिन जी, ये बताइएगा कि प्रवीण जी का लग रहा है क्या माहौल, लग रहा है सुप्रभात क्लब भी बड़े जोर शोर से लगा है, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रभात का आज सपना साकार हो रहा है। इसी जगह पे सुप्रभात का उदय हुआ था और आज देखो कि सुप्रभात कहाँ तक पहुँच गया। और वो सुप्रभात जो है अब वो प्रवीण जी का परिवार है। अब परिवार के सभी सदस्य हैं, अब वो तो निश्चित हैं कि वो लोग घर घर जाके अब जाके प्रवीण जी के लिए अपनी कन्वेंसिंग करेंगे, वोट मांगेंगे और सबसे बड़ी संकल्प है कि सबसे बड़े मार्जिन से जीत के सामने आएंगे। थैंक यू।